अधिवेशन के दौरान कांग्रेसियों ने विरोध स्वरूप अपने गले में प्याज की माला पहन रखी थी। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांधने के साथ काले कपड़े पहन रखे थे। प्रदर्शन मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में हुआ। कांग्रेसियों ने प्याज की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश और प्रदेश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है, इसलिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के गोदामों में 50% यानी करीब 32,000 टन प्याज पड़ा पड़ा सड़ गया है। यह बिचौलियों और कालाबाजारियों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया, इसीलिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्याज के मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है, ताकि जनता के हित में केंद्र सरकार जागे और प्याज की कीमत को कम करने को लेकर कदम उठाए। आज भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियां और उनकी नाकामी गलतियों के कारण प्याज पूरे देश में आसमान जमीन छू रहा है। प्याज के भाव इतने बढ़ गए हैं कि आम जनता, गरीब जनता, मध्यम जनता प्याज खरीद नहीं सकती है। जहां सेवफल तो 60 रुपए किलो बिक रहा है, मगर प्याज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण 120 रुपए किलो बिक रहा है, जिसका प्रमुख कारण है केंद्र सरकार के गोदामों में 32,000 टन प्याज सड़ गया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार सोती रही। ये इसलिए किया गया कि बिचौलियों को और कालाबाजारी करने वालों को फायदा पहुंचे, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन दलालों से साठगांठ करके उनको फायदा पहुंचाने के लिए यह कृतक किया है। आज मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र द्वारा राजवाड़ा जनता चौक पर गले में प्याज की माला डालकर, हाथों में प्याज की माला लेकर, काली पट्टी बांधकर जन आंदोलन किया गया और पैदल मार्च गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय तक गया। वहां से पुनः विभिन्न मार्गों से होते हुए अहिल्या प्रतिमा पर पहुंचा, जहां अहिल्या माता जी के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना सभा हुई। मैं देवेंद्र सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र।